हाईवी वन वेलकम टू करन क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अभी तक पटवारी एग्जाम की कोई पढ़ाई नहीं की है तो भी आप इस टेस्ट सीरीज से कैसे अपना मेजोरिटी पोर्शन जो है सिलेबस का कवर कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको टेस्ट सीरीज लेनी है एंड जो मैं आपको जैसे यहाँ पे गाइडलाइंस दूंगी वही आपको फॉलो करनी है इस पूरा महीने तक जब तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी एक मंथ का टाइम टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो भी मैं आपको आपकी दिखाऊंगी ठीक है तो बेसिकली इस वीडियो में आपको पता चलेगा हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट सीरीज ये उनके लिए बेनिफिशियल है ही जिन्होंने सारा सिलेबस कवर किया है पर स्पेशली उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक पटवारी के एग्जाम के लिए कुछ खास तैयारी नहीं की है ठीक है तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ ये हमारा एक मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ ठीक है ये मैं आप टेस्ट टेस्ट नंबर थ्री है ये आपके इकॉनमी का जैसे आप यहाँ पे देख लो क्या क्वेश्चन कहता है एफ आर बी एम एक्ट के बारे में ठीक है एफ आर बी एम एक्ट कब इनैक्ट हुआ था ठीक अब जिसने अभी तक इकोनॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो टेस्ट नंबर थर्ड जो है वो देख रहा है तो वो क्या करेगा वो दो चीजें याद रखेगा हमेशा कि अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है या जीरो है टेन परसेंट है ट्वेंटी परसेंट है तो आपको क्या फॉलो करना है दो मेथड्स आपको याद रखने हैं एक होता है बैकवर्ड लिंकेजेस एक होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस ठीक है तो आपको क्या करना है ये क्या होता है एफ आरबीएम एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था 2003 में इसको इनेक्ट किया था ठीक है तो 2003 थाउजेंड थ्री में एफ आरबीएम एक्ट आया था तो इस क्वेश्चन से आप क्या करोगे अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है ठीक है आप मेरे जो वीडियोज है इंडियन इकोनॉमी के वो भी रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे आपके पास कुछ भी नहीं है आपको कुछ नहीं करना है सिंपली आपको इंटरनेट पे सर्च करना है एफ आरबीएम एक्ट के बारे में तो 2003 में ये एक्ट आया आया था तो आपको इसकी फॉरवर्ड लिंकेज देखनी है आपको देखना है कि आगे इस एक्ट को कब अमेंड किया था And इस एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स उससे आपका ये जो टॉपिक है वो रेडी हो जाएगा ठीक ये फॉरवर्ड लिंकेजेस ऐसे ही मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज़ है जो आपको सॉल्व करनी है वैसे ही बैकवर्ड लिंकेज आपको फॉलो करना है कोई भी अगर टॉपिक होगा चलो एक एग्जाम्पल यहां से देख लेते हैं हाँ वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बेसल थ्री रेगुलेशन ठीक है अब आपको बेसल थ्री रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन आपको पता है कि थर्ड रेगुलेशन है बेस, फर्स्ट भी कोई होगा तो आपको क्या करना है एक तो मेरी टेस्ट सीरीज के साथ जो भी इसका आंसर होगा मैं आपको आंसर यहाँ पे नहीं बताऊंगी आपको क्या मिलेगा आपको आंसर की मिलेगी प्लस आपको ये जो बेसिल थ्री रेगुलेशन है और जो भी इसका आंसर होगा उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी तो वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसल थ्री होता क्या है फिर आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना है तो वहां से आपका बेसल वन टू एंड थ्री जो है वो कवर हो जाएगा दिस इज द बैकवर्ड लिंकेज तो आप बैकवर्ड किस टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है उसके साथ लिंक कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको एफ आरबीएम एक्ट में बोला था तो आप क्या करोगे फॉरवर्ड आगे उस एक्ट के कितने भी कितने अमेंडमेंट्स आए हैं वो एक्ट पढ़ोगे तो ऐसे अगर आप देखो हर टेस्ट सीरीज आपको इकोनॉमी की तीन टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, तीन या चार आई गेस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी ठीक है और हर टेस्ट सीरीज में थर्टी क्वेश्चन होंगे थर्टी क्वेश्चन में क्या होगा थर्टी क्वेश्चन तो वो आपको उनकी आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तो उन थर्टी टॉपिक्स के बारे में आपको क्या अपने एक्सप्लेनेशन से आपको एक तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लस आपको क्या करना है इसमें एक मेथड होता है ऑप्शन स्टडी का ऑप्शन स्टडी आपको क्या करना है इन थर्टी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं ठीक है तो थर्टी क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे 120 तो आपको क्या करना है हर ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ठीक है जिस जिस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है टॉपिक वाइज देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है विच फंक्शन ऑफ मनी अलाउस द इंडिविजुअल टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर this is a question and you have got four options in this question medium of exchange unit of account store of value and standard of deferred payment theek hai money jo hai wo act karta hai as medium of exchange bhi unit of account bhi store of value bhi and standard of deferred payment ab aap kya karoge aap in charon pe ek short short notes jo hai wo net se search karke या मेरी explanation में जितना present है उसमें plus net से बाकी options के बारे में भी थोड़ा study करके वो supplement कर लोगे मेरे explanation के notes के साथ अगर आप तीन टेस्ट में थर्टी क्वेश्चन हैं दैट मीन्स अगर थ्री टेस्ट होंगे तो नाइनटी क्वेश्चन होंगे नाइनटी क्वेश्चन के थ्री सिक्सटी ऑप्शन होंगे तो आपके थ्री सिक्सटी चलो अगर सारे ऑप्शन जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी नहीं हो पाएंगे तो एटलीस्ट टू फिफ्टी जो है टॉपिक्स आपके इस टेस्ट सीरीज से इकोनमी की प्रिपेयर हो जाएंगे ठीक है ये आपको समझाने का मकसद था इस टेस्ट सीरीज को लेने का क्या फायदा होगा आपका फाइन तो मैं आपको एक बार थोड़ा सिलेबस भी दिखाती हूँ ये पटवारी के एग्जाम का सिलेबस है टाइम टेबल और ऐसा ही टाइम टेबल आपके जूनियर असिस्टेंट का भी है ठीक है तो आपको इसमें क्या मिलेगा आपको थर्टींथ जुलाई से लेकर सेवनटीन अगस्त तक जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा फाइन तो थर्टींथ जुलाई को आपको दैट मीन कल इवनिंग में आपको क्या मिलेंगे तीन टेस्ट मिलेंगे इकोनॉमी के दो टेस्ट मिलेंगे हिस्ट्री के उसके बाद फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन ऐसे करके जो यहाँ पे है उसके बाद तीन दिन मैंने आपको रिविजन के लिए दिए हैं जहां पे आप ये टेस्ट रिवाइज करोगे फिर प्लस ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐसा ही एक टाइम टेबल मैंने जूनियर असिस्टेंट का भी बनाया हुआ है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड अगर आप मेरा ये कोर्स बाय करते हैं थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ है पटवारी एग्जाम के एंड जूनियर असिस्टेंट के हैं टू नाइन्टी नाइन ये बहुत ही कम फीस है उस कंपैरिजन में जितना आपको मटेरियल मिल रहा है क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ आंसर्स उनकी डिटेल्ड जो है एक एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रही है मैं आपको इसका एक ये दिखाती हूँ मॉडल मेरे एक्सप्लेनेशंस का जैसे ये सल्यूशन मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं ठीक है थीके? जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है उसका आंसर स्टोर ऑफ वैल्यू है तो स्टोर ऑफ वैल्यू और बाकी जो भी ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल यहाँ पे दी हुई है ठीक है इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है एग्जाम्पल के साथ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी आसान हो जाए यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है डिफर्ड पेमेंट क्या होता है ठीक है तो वैसे ही बाकी क्वेश्चंस में भी मैंने किया है जिन ऑप्शंस को मुझे चारों ऑप्शंस को डिटेल में लिखने की जरूरत थी उस क्वेश्चन में मैंने चारों ऑप्शंस की जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने इन uh, नोट्स में दी हुई है तो ये टू आ, थ्री फोर्टी नाइन में आपको मिलेगी इतना कंटेंट मिल रहा है ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है पर हाँ जैसे कोई जेनुइन केस होता है कोई ऑर्फन है बिल्कुल ही एफर्ट नहीं कर सकता है तो उनको मैंने कहा मुझे प्राइवेटली मैसेज करें तो जो मुझे जेनुइन केस लगता है मैं उनको फिर रिवर्ट कर देती हूँ ठीक है एंड ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट का भी मॉक टेस्ट उसमें भी ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन भी आ, विद अलोंग विद आंसर की मिल जाएगी वो आपको टू नाइन्टी नाइन का मिलेगा ठीक है उसका भी टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है एंड इसके साथ साथ बाकी क्लासेस भी चलेंगी जैसे इंडियन इकॉनॉमी हमारा चल रहा है अभी कुछ टाइम मैं सीरीज के साथ बिजी थी तो उसमें मैंने नए वीडियोस नहीं लेके आई हूँ मैं इंडियन इकॉनमी के पर वो भी मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूंगी उसमें वो आपके लिए एन पटवारी एंड आपके के वगैरह हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ठीक है तो अगर ये सारी चीजें आप मिस नहीं करना चाहते हैं आपको क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं और इन दो तो टेस्ट सीरीज को बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा उसमें सारी डिटेल इन टेस्ट सीरीज की दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो टिल द टाइम है आप लोग न्यू वीडियो गो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे